गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप जैसे पहले नर्सरी में के जी वन में पढ़ चुके हैं, ए इज फॉर एप्पल, एप्पल। आप समझ गए होंगे बच्चों के ए में जो साउंड होता है ए, उससे जितने भी नए वर्ड्स बनते हैं उनका साउंड भी ए करके निकलता है। जैसे देखिए, आपको मेरे साथ साथ ये सब रिपीट करना है। A N an, A N T ant, A N an, A P P L E apple, A am an ant, arm apple, aunt, या एंट भी कहते हैं। इसी तरह से बी का साउंड होता है ब। क्या साउंड होता है बी का? ब, ब, बी ए बी वाई, बेबी, ब, ब, बी ए जी बैग, बी ए एल एल बॉल, बी ए टी बैट, B E D bed, B L U E blue, B O A T boat, B O Y boy, a boy with a ball, boy ball, boy ball। एक boy है जिसके हाथ में ball है, a boy with a ball। C is for cat। और जरूरी नहीं है कि C is for cat ही हो, C is for candle भी हो सकता है, C is for cake भी हो सकता है, बर्थडे पार्टी में जो आप केक खाते हैं। C is for cup, कप मतलब जिसमें हम चाय पीते हैं, मिल्क पीते हैं, ठीक है। तो ये cat है, cat की स्पेलिंग होती है C A T cat। ये कप है सी यूपी कप, अ कैट एंड अ कप, सी ए के ई केक, सी ए एम ई एल कैमल, सी ए पी कैप, सी ए आर कार, सी ओ टी कॉट, सी ओ एम बी कोम्ब, सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर, C O W cow। जैसे यहां पर है अ कैट एंड अ कप, एक बिल्ली और एक प्याली, अ कैट, एक बिल्ली एंड मतलब और अ कप, एक प्याली, अ कैट एंड अ कप। साउंड पे ध्यान दीजिएगा, जो रेड कलर में C लिखा हुआ है वहां पर आपका साउंड सी का क्या निकलेगा? कप, अ कैट एंड अ कप। अभी हम अगले लेटर पे आते हैं, डी। डी का साउंड होता है ड। डी का क्या साउंड होता है? ड, डॉग। ये एक डॉग है, इसके हाथ में क्या है? ड्रम। ये डॉग जो है ये ड्रम प्ले कर रहा है, ड्रम बजा रहा है, अ डॉग विद अ ड्रम। डी का साउंड ड निकलेगा, इसलिए जब हम डॉग पढ़ेंगे तो ध्यान से हमें ड, डॉग, ड्रम, है ना? ओके, बाकी सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि डेट, डी ए टी ई डेट, डी ई एन डेन, डी आई एस एच डिश, डी ओ जी डॉग, डी ओ डबल एल डॉल, डी ओ एल पी एच आई एन। यहाँ पर पी एच को फ करके पढ़ा जाएगा, ये आपको बाद में डायग्राफ्स पढ़ाए जाएंगे। डायग्राफ्स में क्या होता है कि दो लेटर्स को मिला के, जैसे एफ का साउंड फ होता है, यहाँ पर भी फ साउंड निकलेगा, मगर यहाँ एफ नहीं आएगा, यहाँ पर पी एच आएगा, ये आप बाद में पढ़ेंगे। डी ओ एल पी एच आई एन, डॉल्फिन। ड, यहाँ पर डी, डॉल्फिन का साउंड ड, डॉल्फिन। ड, dot, d, draw, D R A W, draw,
अ डॉग विद अ ड्रम. ड ड ड ड डी का साउंड ड. हमारा अगला लेटर है ई. ई के दो साउंड्स निकलते हैं, एक तो ई करके निकलता है और ए. वो अलग अलग जगह पर साउंड चेंज हो जाते हैं. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एग्स है ना, अंडे. सो मैनी एग्स, बहुत सारे एग्स हैं. अच्छा यहाँ बहुत सारे एग्स हैं, लेकिन कितने हैं, हाउ मैनी कैन यू काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. हाउ मैनी एग्स आर देयर, 11. 11 की स्पेलिंग क्या होती है, ELEVEN, 11, जो कि ई से शुरू होता है. यहाँ पर 11 नहीं पढ़ेंगे हम, 11 पढ़ेंगे. यहाँ पर ई का साउंड हो गया है ई. और एग्स में एग्स नहीं पढ़ेंगे, एग्स पढ़ेंगे. दोनों वर्ड्स में आप देखिए ई का साउंड चेंज हो गया है. इसी तरह से यहाँ पर ईगल, एगल नहीं पढ़ेंगे हम इसे, ईगल. ईगल जब ई के साथ ए लग जाता है तो वो ई करके लंबा साउंड निकलता है. ई ए जी एल ई, ईगल. ई ए आर, ईयर. ई एल ई वी ई एन, 11. ई डबल जी, एग. ई एल बी ओ डब्ल्यू, एल्बो. देखिए एग में और एल्बो में साउंड ए करके आ रहा है. 11 ईयर और ईगल में ई करके आ रहा है. आप लोग को बहुत ध्यान से ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं और इनके साउंड पे ध्यान देना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट लेटर इज सॉरी एफ. एफ का साउंड होता है फ. फ भी नहीं होता, दोनों आप अपने लिप्स साथ में मिला के हवा बाहर की तरफ निकालेंगे तो साउंड क्या आएगा, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिंगर्स, एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फैन. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एफ से, सो मेनी वर्ड्स. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पर फिश हैं. हाउ मेनी फिश, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फिश. हम 5 फिश हैं यहाँ पर. और यहाँ पर एफ से बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम वो रिपीट करते हैं. एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली. एफ ए एम फैन. एफ आई एस एच, फिश. एफ एल ए जी, फ्लैग. एफ डब्ल्यू ओ डी, फूड. एफ ओ एक्स, फॉक्स. सब में साउंड फ ही आया है. और जहां जहां एफ 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 एफ